3-in-1 लाइट, दैट्स राइट, कि इसके अंदर वार्म, नेचुरल और वाइट। तो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपको अपने घर में लाइट्स की प्लेसमेंट कैसे करनी है। तो नॉर्मल आपको घर को सुंदर दिखाना है तो लाइट की प्लेसमेंट क्या उसमें रोल प्ले करती है। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं और उनको अब वो रिटायर हो गए हैं या एक बिल्कुल चिल वाला फील चाहिए तो उनके लिए वार्म व्हाइट है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं तो वहां पे आपको व्हाइट लाइट डालना है, वार्म नहीं डालना है। और वहीं पे अगर आप अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं या अभी अभी शादी हुई है और आपको एक कॉजी या रोमांटिक फील चाहिए तो आपके लिए नेचुरल वाइट है। बट एक चीज जो सवाल कमेंट्स में आ रहे थे बार बार, मनीष वो सब तो ठीक है यार, एक रूम है, एक ड्राइंग रूम है, लेकिन इसके अंदर इतनी कलर की लाइटें डालेंगे कैसे? भाई आपने हमारे घर में तो फादर मदर भी रहते हैं या ड्राइंग रूम में हम सारे इकट्ठे भी बैठते हैं, तो फॉल सीलिंग में क्या अलग अलग कलर की लाइटें डालेंगे? तो डोंट वरी, आज मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ और एक वो ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इसका सॉल्यूशन अब मार्केट में आ चुका है और ये कंपनी फर्स्ट है जो ये सॉल्यूशन लेके आई है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, इसके सारे फीचर्स में प्रोडक्ट के आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही फेमस कंपनी से है। अगर पता लग गया किस कंपनी का तो नीचे कमेंट करके बता देना। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और भाई वेबिनार आ चुका है और वेबिनार के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है जहां पे मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है और आप अपनी सैलरी को हाइक कराना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग और रेवेन्यू मॉडल को इंक्रीज करना है, कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, तो वो सब मैं उस वेबिनार में बताने वाला हूं जो इस 11th ऑफ दिसंबर को होने वाला है और 7th ऑफ दिसंबर को एनरोलमेंट खत्म हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे एनरोल कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 499। तो गाइस एक सर्वे के पहले मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं, साथ साथ मैं वीडियो में आपके टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। तो फर्स्ट टाइम 3 लाइट्स के कलर को सर्वे किया गया। जैसे जब हमारा सनराइज से लेकर सनसेट होता है उसमें जो कलर्स आते हैं, किस टाइम पे लोग फोकस होते हैं, किस टाइम पे लोग सोने के मूड में होते हैं और कौन सी लाइट उनको मदद करती है। तो जब सर्वे हुआ तो सबसे पहले ऑफिस के ऊपर सर्वे किया गया कि वो कौन सी लाइट्स है जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा अटेंटिव और फोकस रहेंगे। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके ऑफिस में सबसे ज्यादा कौन सी लाइट यूज होती है? अगर पता लगे तो कमेंट में बताओ, बाकी मैं बता देता हूं। आपके ऑफिस में हमेशा व्हाइट लाइट यूज होती है जिसका केल्विन टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन। ये वो लाइट होती है जो ब्लू कलर की लाइट है जो आपके मोबाइल की स्क्रीन में भी होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल में येलो लाइट फिल्टर लगा के रखा करो और रात को ज्यादा देर व्हाइट लाइट पे नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट से आपका जो नींद वाला केमिकल होता है, जो रिलीज होता है जिससे नींद आ जाए, वो चले जाता है और व्हाइट लाइट से आपका फोकस बढ़ जाता है। तो आपके घर के अंदर अगर बच्चे हैं या आप खुद रीडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, फोकस क्या ऑफिस वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको व्हाइट लाइट मैंडेटरी है। और अपना एक कपल है और अभी अभी शादी हुआ है या पुराने कपल हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस का इशू चल रहा है या एंगर इशू चल रहा है बट स्टिल यू वांट टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप, तो वहां पे जो काम करती है लाइट वो होती है नेचुरल लाइट। ये भाई मैं नहीं बता रहा हूं, ये सारा डेटा है और सर्वे है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और इस लाइट का टेम्परेचर जो होता है या केल्विन जो होता है वो होता है 4000 केल्विन, दैट्स राइट। और आप चाहो तो इसमें 4500 भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि कौन सा आपको बेटर लगता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज आपने लाइट करी, आज ही ऑन किया और सारी चीजें सही हो जाएगी। नहीं, ये जो प्रोसीजर है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इट विल टेक अराउंड 1 or 2 months, जिसके अंदर लेकिन धीरे धीरे हैबिट बनती चली जाती है और इस लाइट की वजह से जो स्ट्रेस और जो लड़ाई झगड़े वाले इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट लाइट के बारे में बात करते हैं वो होती है भाई वार्म। तो घर के अंदर या अगर आप कई बार जाओगे और लग्जरी फील के लिए आप रिजॉर्ट्स में जाओगे तो हमेशा वहां पे वार्म लाइट का यूज करोगे और खासकर हिली एरियाज में भी वार्म लाइट का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो वार्म लाइट भी अपने आप में बहुत सारी लाइट है, लेकिन हम यंगस्टर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए व्हाइट और नेचुरल का सबसे ज्यादा है। और भाई पेरेंट्स में क्या होता है ना, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, जैसे जैसे एज होती जाती है ना आंखों पे स्ट्रेन पड़ता चले जाता है। और मैंने भी अपने घर में यही लाइट्स बेसिकली लगाई हुई है जो कि प्रोडक्ट मैं आपको रिवील करने वाला हूं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 3000 केल्विन, आप 3500 में भी जा सकते हो, तो बेसिक 3000 केल्विन होना मैंडेटरी होता है। तो आप जरा बम फोड़ देते हैं और जो वो लाइट है वो लेके आया है पॉलीकैप, दैट्स राइट। पॉलीकैप को तो यार हर कोई जानता है, पॉलीकैप की वायर्स, पॉलीकैप के स्विचेस, एमसीबीज, और पता नहीं पॉलीकैप तो सरकारी में कितने बड़े टेंडर्स डालता है, नीचे ऑप्टिकल फाइबर्स की वायर, जो पूरी जो अंडरग्राउंड आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन चलती है जहां वायर डाली जाती है, तो पॉलीकैप तो टॉप पे है और कुछ ही ब्रांड्स है जो इतनी टॉप पे आए हुए हैं। तो पॉलीकैप ये लाइट्स लेके आया जिसकी वारंटी 2 years की होने वाली है और इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहो तो बल्क में भी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। वो जो 3 खासियत है जो बाकी कोई लाइट लेके नहीं आया है, पहले आपको मैं लाइट दिखाता हूं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है वो लाइट, इसकी खासियत क्या है, जो इसका आउटर डाया है
That's right. ये जो है ये बहुत ही कम है और अंदर का जो लिट अप होने वाला सरफेस है वो बहुत ज्यादा है, तो ये आम लाइटों से सबसे ज्यादा रोशनी आपके घर में देगा। दैट्स राइट। सेकंड जो इसकी खासियत है, अगर आपके घर में फ्लक्चुएशन का इशू रहता है, कई बार लाइट जो है फ्लक्चुएट होती है और उसकी वजह से ट्यूब लाइट्स जो होती हैं, बटन लाइट जो होती है वो फ्यूज हो जाती है, तो ये मल्टी ऑपरेशनल मतलब कि मल्टी वोल्टेज पे ऑपरेशनल भी है, जिसकी वजह से ये लाइट जो है वो फ्यूज नहीं होगी। और भाई थर्ड जो है भाई सबसे ज्यादा जो मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ भैया, बजटिंग। और साथ के साथ ये लाइट एनर्जी सेविंग भी है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ 12 वॉट की लाइट है और आउटर डाया स्मॉल होने की वजह से ये ज्यादा लाइट देता है और बिजली को कम खाता है। दैट्स राइट। और मेन फीचर मैं आपको बता चुका हूं कि 3-in-1 लाइट। दैट्स राइट कि इसके अंदर वार्म, नेचुरल और वाइट। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है। जैसे नॉर्मल फॉल सीलिंग में लाइट लगती है, सीधा जाओ इसका कट करो, फॉल सीलिंग या जिप्सम में आप जो लगा रहा है इसको सीधा लगाने का है और स्विच ऑन करते ही ऑफ करके विद इन 2-3 सेकंड के अंदर ऑन ऑफ करते हो तो इसके लाइट बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। और स्पीड देखना चाहते हो तो गाइज मुझे तो यार ये प्रोडक्ट बहुत ही सॉलिड लगा है, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस में बता रहा था लेकिन 3-in-1 लाइट्स को लेके जो स्कोप है वो बटन में आ रहा था, नॉर्मल SMDs में नहीं आ रहा था, तो वो इन लाइट्स में मिसिंग था, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था, दो दो लाइट्स का कॉम्बिनेशन चलाना पड़ता था कि सेंटर में हम CUB डालते थे और बाकियों में हम व्हाइट लाइट का प्रोविजन देते थे। लेकिन इस लाइट ने सारी चीज सॉल्व कर सकते हो, अब आपकी टेंशन ही खत्म। जो आप कमेंट्स में मुझसे बार बार पूछते थे ना कि सर कहां पे वार्म, कहां पे व्हाइट, कहां पे नेचुरल दे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये लाइट को लगा डालो और आपका काम हो गया सिंपल। दैट्स राइट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस लाइट को आप चाहो तो खरीद सकते हो, बल्क में ऑर्डर दे सकते हो। दैट्स इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है बाथरूम इंटीरियर डिजाइन के ऊपर और उसके बाद आएगी 1BHK इंटीरियर डिजाइन पे। और भाई साथ का वेबिनार को भी ज्वाइन कर लेना, दैट्स मैंडेटरी। और अगर इंटीरियर्स के क्विक टिप चाहिए तो इंटीको शॉर्ट्स पे हम आ गए हैं, जिसमें हम क्विक टिप इंटीरियर देते हैं और इंस्टाग्राम के दोनों पेजेस को आप फॉलो कर सकते हो, जहां पे हम अपने काम का पोर्टफोलियो पूरा डालते हैं कि हमने क्या काम करते हैं, बिफोर आफ्टर की साइट्स, और साथ के साथ सेकंड पेज पे कुछ हमारे ऑफिस की एंटरटेनमेंट रील्स कि हम साइट विजिट कैसे करते हैं, घूमते कैसे और हमारी कंपनी का वर्क कल्चर क्या है। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।